एक जुडिशरी स्पेंड करूं कैसा दिखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर व्लॉग। ऑलमोस्ट भाई 20 दिन हो गए हैं एंड एक भी व्लॉग नहीं आया ड्यू टू सम रीजन। इवन जो हमारी डेली व्लॉग वाली सीरीज चल रही थी ना, उसको भी मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। करना तो नहीं चाहता, समा वो अपने आप हो गई है। वो 20 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी मैंने एक या दो व्लॉग रिकॉर्ड किए थे बट मैं उन्हें एडिट भी नहीं कर पाया, अपलोड भी नहीं कर पाया। घर पे आ जाता हूँ ना भाई, बहुत सारी चीज़ों में यार उलझ जाते हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो इस रीज़न से मैंने सोचा कि आज तो एक व्लॉग फाइनली कन्फेस कर ही लेता हूँ भाई, डिसकंटिन्यू मैंने कर दी, मैं नहीं बना पा रहा हूँ डेली व्लॉग घर पे आके। बाकी कुछ मेरे प्लान्स थे वो भी चेंज हो गए हैं बिल्कुल, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए भाई, एकदम हालात बदल गए, ऐसी सिचुएशन आ गई है अभी। एंड धीरे धीरे तो मैं पता लगते रहेगा अब क्या क्या चीज़ें हुई हैं चेंज। बाकी देखो भाई, एक जुडिशरी स्पेंड करूँ कैसा दिखता है। मजाक कर रहा हूँ भाई, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, बट हाँ सिमिलरली ऐसा ही कुछ होने वाला है, धीरे धीरे तो मैं ब्लॉग में पता लगते रहेगा। लेकिन हाँ, जुडिशरी की प्रिपरेशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, एंड मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप लोगों को जुडिशरी की प्रिपरेशन करना है तो आप PW के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा की सेल भी चल रही है जिसमें कि बम्पर डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, एंड PW इज नोन फॉर क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइसिंग। इतने सस्ते बैचेस आपको और कहीं नहीं मिलेंगे PW के अलावा। इस ऑफर में अगर आप इनके बैचेस परचेज करते हैं तो आपको अप टू 65% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इनके कुछ बैचेस हैं जैसे कि नीति 3.0 जुडिशरी बैच, जिसका प्राइस 50,000 रुपीज था, बट वो अभी ऑफर में सिर्फ 17,999 में मिल जाएगा। अभियोजन राजस्थान APA 24 बैच, जिसका प्राइस था 9,999, बट वो अभी ऑफर में आपको सिर्फ 4,499 का मिल जाएगा। सेम बैच बिहार का भी है। उसके अलावा राजस्थान जुडिशरी टेस्ट सीरीज 24 के लिए, जिसका प्राइस भी 9,999 था, बट वो भी आपको 4,499 में मिल जाएगी। गुजरात जुडिशरी की टेस्ट सीरीज, जिसका प्राइस भी 9,999 था, बट वो आपको सिर्फ 3,499 में मिल जाएगी। सिमिलरली छत्तीसगढ़ जुडिशरी की टेस्ट सीरीज, जिसका प्राइस था 9,999, बट वो भी आपको सिर्फ 3,499 में मिल जाएगी। बट इसके अलावा भी अगर आपको 1,000 रुपीज का और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड MAT1000 यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 1,000 रुपीज का और ऑफ देखने को मिलेगा। बाकी जल्दी जल्दी इन बैचेस को परचेज कर लीजिए क्योंकि ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। बाकी दोस्तों, जैसे तैसे करके मैंने भाई ये जुगाड़ू सेटअप अपना कुछ कुछ करके जमाया हुआ है। इतनी सारी किताबें पड़ी हुई हैं, ये बेड है, कभी कभी यहीं पे सो जाता हूँ, नहीं तो कभी कभी घर पे भी चले जाता हूँ। वैसे तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं यहीं पे सो जाया करूँगा रात में भी, बट वो हो नहीं पाता है। एंड अभी जस्ट तुम लोगों को पता होगा कि अभी नए वाले घर पे हूँ, तो भाई इसको जैसे तैसे मैंने करके रहने लायक बनाया हुआ है। सब कुछ जुगाड़ पे चल रहा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे लग रहा था, मुझे होप थी कि भाई ये 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं हो पाता है भाई। घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत एफर्ट्स लगते हैं एंड बहुत टाइम लगता है, और सबसे बड़ी बात भाई, बहुत मेन चीज़ पैसा लगता है भाई। ये 2 फ्लोर का घर बनाने में भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे तो भाई बहुत एफर्ट्स लगे हैं इसमें, मतलब पूरी फैमिली के ही लगे हैं, बट मैंने तो यार भाई दिल से छोटी छोटी चीज़ें इसमें बड़े प्यार से लगाई हुई हैं। एंड मैं सोच रहा था तुम लोगों को इसका होम टूर दे दूंगा, बट अभी तो कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें अभी नहीं दे रहा हूँ, बाद में ही दूंगा। बाकी इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है भाई, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बहुत सारे रीज़न थे, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, फिर उसके बाद घर पे भाई बहुत सारे काम थे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इसके कितने सारे मैंने काम करवाए, तब कहीं जाके थोड़ा सा रहने लायक हुआ है। पूरी साफ सफाई, डोर वोर, पता नहीं दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, और यहाँ पे ना उतने अच्छे से काम करने वाले लोग होते भी नहीं, तो उन्हें धक्का मार के काम कराना पड़ता है। बाकी उसके अलावा यार मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया था, क्योंकि यार मैं ना 5th-6th क्लास से हॉस्टल में हूँ ना, तो मेरे पास एक भाई अपना रूम होता था वहाँ पे, एंड एक टेबल होती थी, एक बेड होती थी, तो मतलब मेरा वर्क प्लेस टाइप का होता था जो कि मेरा कम्फर्ट जोन था। एंड ये भाई ऑलमोस्ट 14-15 साल हो गए मेरे को इसी तरीके से स्पेस में रहते हुए, तो मेरी ना वैसी आदत हो गई है, एंड अगर वो चीज़ मेरे से छिन जाए सडनली तो भाई मैं पागल हो गया था एकदम से। वैसे तो मेरे घर पे भी है, बट मेरे को भाई अपना एक रूम चाहिए, उसमें शांति से बैठ कर मैं अपना काम कर सकूँ, कुछ भी करूँ, मैं उसमें पढ़ाई करूँ, यूट्यूब का कॉन्टेंट बनाऊँ, या कुछ भी XYZ थिंक करूँ, या एडिटिंग भी करूँ, तो मेरे को शांति वाली जगह चाहिए रहती, जो कि एकदम से मेरे से छिन गई। हॉस्टल में भाई मेरे पास अपना एक रूम था, डेडिकेटेड स्पेस था, वर्क प्लेस थी, तो सब चीज़ें स्मूथली चल रही थी। धीरे धीरे अब यहाँ पे मैंने सेटअप करने की कोशिश की है, बाकी ठीक है, थोड़े बहुत अप डाउन्स तो आते रहते हैं, उनको हैंडल करना रहता है, बट हाँ अब से थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा ब्लॉग वगैरह बनाने की भी। बाकी भाई ये मेरा वर्क प्लेस, एंड सबसे बेस्ट व्यू आता है भाई इस विंडो से, एंड यहीं पे मेरा लैपटॉप रखा रहता है, तो
तो एक बार भाई विंडो लगाना भूल गया, यहाँ से ये विंडो लगानी पड़ती है एंड इसको मैं लगा के रखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जब भी बारिश होती है ना तो पानी बहुत ज़्यादा उड़ के आता है। भाई मेरा मैकबुक है ना एक दिन गीला हो गया था एंड वो दो दिन भाई उसी में परेशान रहा मैं, बड़ी मुश्किल से फिर ठीक हुआ, मैंने इसको सुखाया जैसे तैसे करके। बाकी भाई चीज़ें अभी तो मैं सारी जुगाड़ू रख रही हूँ, जैसे कि ये गेट पड़ा हुआ है यहाँ पे, कर्टेन यहाँ के नहीं है, टेम्परेरी मैंने लगा लिए, ऑर्डर किए वो आए ही नहीं है अभी तक, तो मैंने सोचा कि भाई जो चीज़ अभी सामने दिख रही है उसको लगवा, जैसे कूलर एसी लगना था भाई, इस बंदे को तीन दिन से बुला रहा हूँ एसी लगा जा, लेकिन वो आई नहीं रहा है, तो मैंने भाई कूलर रख लिया। मैंने कहा भाई अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे तो डिले होते जाएगा, अगर मैं सोचूंगा कि अपनी चीज़ को परफेक्ट करूंगा देन उसके बाद ही वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करूंगा तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी। सो मैंने सोचा कि अपना काम तो स्टार्ट कर ही लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, इस ब्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं। बाकी इस ब्लॉग के थ्रू मुझे सिर्फ एक अपडेट देना था कि इतने से क्यों ब्लॉग नहीं आ पाए। बाकी यार लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस दुनिया को है ना एक परफेक्ट वर्ल्ड की तरह अपने मन में इमेजिन मत कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो भाई। जैसे कि मैं सोच रहा था जब मैं आया हुआ था ना कॉलेज के बाद, मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ रेडी हो जाएगा देन उसके बाद मैं यहाँ पे आगे अपना वर्क प्लेस बनाऊँगा देन उसके बाद मैं आगे अपना काम करूँगा। बट यार वो परफेक्शन है ना कभी अचीव नहीं हो पाती, वो आपके मन में ही रहता है एक परफेक्ट वर्ल्ड की तरह। मैं सोच रहा था हर चीज़ पहले परफेक्टली डन हो जाए देन उसके बाद यहाँ पे आऊँगा, बट वो नहीं हो पाती, ठीक है। चलो बाकी इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं एंड अब से मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ ना कुछ ब्लॉग डालते रहूँ या वीडियो डालते रहूँ। बाकी इस ब्लॉग के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।